BDSM 3004 एडॉक स्टेशन एकदम बढ़िया से पैक में है। सबसे पहले हम ओपन करते हैं तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, डॉक स्टेशन डिवाइस है, छोटा सा कैम्प कॉम्पैक्ट और बढ़िया सा डिवाइस है। उसके अंदर यहाँ पर एडाप्टर भी दिया हुआ है। ओके, अब इस डॉक स्टेशन में एक पावर एडाप्टर दिया है जो इस डॉक स्टेशन को रन करने के लिए पावर एडाप्टर का यूज रहेगा। और ये डॉक स्टेशन है, यहाँ पर LCD डिस्प्ले है, यहाँ पर दो USB पोर्ट दिए हुए हैं जिसके ज़रिए हम अपना फ़ोन है, टैबलेट है, वो सब चार्ज कर सकते हैं। ये 1.1 एम्पियर और 2.1 एम्पियर का USB पोर्ट दिए हुए हैं जिसके ज़रिए हम फ़ोन वगैरह, टैबलेट वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ये LCD स्क्रीन है, यहाँ पीछे की साइड बड़ा सा स्पीकर दिए हुए हैं। और ये जो एंटेना है FM का, जो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर लंबा एंटेना रहता है, तो जिसे हम कवरेज ला सके FM का। ओके, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ काफ़ी अलग अलग बटन्स दिए हुए, तो इसका क्या यूज है हम आपको बताते हैं। ये प्रीवियस बटन, डाउन बटन है। ओके, ये नेक्स्ट बटन, अप बटन है, ये FM और स्कैन बटन है, और ये अलार्म वन सिंबल मतलब अलार्म वन सेटिंग करने के लिए, अलार्म टू सिंबल मतलब अलार्म टू सेटिंग करने के लिए, और ये स्नूज और डिमर मतलब LCD डिस्प्ले का डिमर सेटिंग करने और स्नूज करने के लिए ये बटन दिया। इसके बाद यहाँ पीछे की साइड एंटेना है, और ये है जो हम एडेप्टर के जरिए डायरेक्ट 5 वोल्ट हम इसको दे सकते हैं DC। उसके बाद ये स्पीकर है, और यहाँ पर 12 आवर्स 24 आवर्स, ओके 12 आवर्स 24 आवर्स, और सेल्सियस और फेरनहाइट मतलब टाइम फॉर्मेट जो है 12 आवर्स 24 आवर्स करना है तो ये बटन का यूज़ होता है, और टेम्परेचर जो सेल्सियस और फेरनहाइट में चेंज करना है तो ये बटन का यूज़ है। बाद में है स्लीप और टाइम बटन, मतलब स्लीप फंक्शन को रन करना है तो ये बटन, और टाइम सेट करने के लिए भी ये बटन यूज़ होता है। यहाँ पर वॉल्यूम का प्लस और माइनस, मतलब वॉल्यूम प्लस और माइनस करने के लिए ये दोनों बटन का यूज़ होता है। अब इस डॉक स्टेशन को हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे टाइम वगैरह सेट करना है, क्या क्या इसका फंक्शन है, सब हम आपको सिखा दें। सबसे पहले डॉक स्टेशन जो रन करेगा वो पावर एडाप्टर से ही रन करेगा, विदाउट पावर एडाप्टर डॉक स्टेशन में हम वर्क रन नहीं कर सकते। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है बैकअप का, मतलब कि अगर हमने इसमें टाइम वगैरह सेट किया है और पावर वगैरह चला गया, लाइट वगैरह चला गया, तो इसमें टाइम वगैरह है, उसको मेमोरी करने के लिए बैकअप का यहाँ पर बैटरी दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको बैटरी डालना पड़ेगा, AAA साइज़ की 2 बैटरी यूज़ होगी जो पावर बैकअप के लिए यूज़ होता है। मतलब कि जो टाइम वगैरह हमने जो भी सेटिंग किया हुआ है, उस सेटिंग को मेमोरी करने के लिए ये बैकअप बैटरी हमें लगानी रहती है। तो सबसे पहले क्या है कि डॉक स्टेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ नीचे की तरफ बैटरी जो कंपार्टमेंट होता है उसमें AAA साइज़ की 2 बैटरी लगेगी जो कि ये सेटिंग है उसको रन करता है, मतलब मेमोरी करता है। तो यहाँ पर हम ये इंक्लूडिंग नहीं रहती है बैटरी, आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। तो बढ़िया सा अगर ड्यूरासेल की बैटरी हम इसमें लगाएंगे तो क्या है कि इसका लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो सबसे पहले ड्यूरासेल की हम बैटरी लगा देते हैं कि ताकि जो भी हम सेटिंग वगैरह करें इसमें ये सेव रह सके। ओके, बैटरी लगाने के बाद अब इस डॉक स्टेशन को ऑन करने के लिए, मतलब चालू करने के लिए पावर से हमें, पावर एडाप्टर से हमें पावर सप्लाई देना है। ये पावर एडाप्टर से उसको हम डायरेक्टली 220 वोल्ट देके ऑन करके, जो ये पिन दिया है पीछे की साइड आप देखोगे डॉक स्टेशन की, यहाँ पर पिन देने से डॉक स्टेशन हमारा पूरा स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब डॉक स्टेशन में जो ब्लू कलर की LCD डिस्प्ले, मतलब LCD डिस्प्ले में ब्लू कलर के फॉन्ट दिखेंगे जो एकदम क्लासी लुक रखता है।
ओके, अब हम इसका जो सेट है वो कैसे सेटिंग करना है वो सब हम आपको सिखाते हैं। अब इस डॉक स्टेशन में हमें टाइम वगैरह सेट करने के लिए सबसे पहले क्या है, पीसी की साइड ये टाइम का बटन है, ओके टाइम बटन है, मतलब टाइम सेट करने के लिए जो टाइम बटन है उसको लॉन्ग प्रेस, मतलब 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करोगे, ओके तो ये हावर्स है वो ब्लिंक होगा, और यह अप और डाउन में बटन है जो यहाँ से उसके थ्रू आप उसको सेट करते हैं। अभी बजा है 2 बजा है, तो हम पीएम में ओके 1:02:15 हुआ है, तो 2 आवर सेट हो गया। उसके बाद फिर से हम टाइम बटन को एक बार प्रेस करोगे तो ये मिनट वाला है वो ब्लिंक होगा और उसको हम बढ़ा सकते हैं, मतलब 2:10 हुआ है तो 10, अगर 11 हो गया तो बैकवर्ड करके 10 मिनट सेट कर देंगे। फिर से हम फिर से टाइम बटन को एक बार प्रेस करेंगे, ओके तो ये संडे, मतलब आज क्या है तो आज मंडे है, तो ये इसकी जगह से आप संडे मंडे ट्यूसडे वनडे से सैटरडे फ्राइडे सैटरडे जो भी आज मंडे है तो हमने मंडे सेट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, फिर से टाइम बटन हम सेट करेंगे, मतलब ये पूरा टाइम है वो सेट किया 2:10 पे और मंडे वो पूरा हमारा सेट हो चुका है। अगर यहाँ पर ये अभी हमने 12 आवर्स का सेट किया है, अगर हमें 24 आवर्स का सेट करना है तो ये वाला बटन हमें प्रेस करके 24 आवर्स भी सेट करते हैं। जैसे ये बटन प्रेस करोगे तो 24 आवर्स में सेट हो गया, जैसे ये बटन हमें फिर से करोगे तो 12 आवर्स फॉर्मेट में आ गया। अब हमने टाइम सेट कर दिया, अभी इस डॉक स्टेशन में alarm 1 alarm 2 का बटन दिया है, उसके जरिए हम अलार्म सेट भी कर सकते हैं। तो alarm 1 सेट करने के लिए alarm 1 बटन का यूज़ करना है, उस बटन को कंटिन्यूस थ्रू 3-4 सेकंड के लिए हम प्रेस करके रखोगे तो अलार्म का यहाँ पर सिंबल भी आ जाएगा और आवर्स का ब्लिंक होके रहेगा। तो यह अप और डाउन प्रीवियस बटन से हम जितना भी आवर्स सेट करना है वो कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एएम पीएम भी है वो भी देखना है। अभी हमें 2:30 PM को सेट करना है, तो 1 और 2 यहाँ पर पीएम आ गया। उसके बाद फिर से अलार्म बटन एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मिनट बटन ब्लिंक होगा, उसके बाद 30 मिनट करना है तो ऐसे करके 30 मिनट सेट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद फिर से अलार्म 1 बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बता रहा है, उसमें क्या है कि हम 2 टाइप रख सकते हैं, होल वीक अलार्म बजाना है तो वो भी रख सकते हैं, और एक बार ये प्रीवियस बटन प्रेस करोगे तो ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे से ला गया, मतलब कि सैटरडे संडे अलार्म नहीं बजेगा और पूरा वीक बजेगा सैटरडे संडे के अलावा। उसके बाद फिर से एक बार करो तो सैटरडे आ गया, ओनली संडे को ही अलार्म नहीं बजेगा, मंडे टू सैटरडे अलार्म बजेगा, वो वीक रखना है तो भी रख सकते हो और ऑल फुल वीक रखना है तो भी रख सकते हो या ये बटन प्रेस करने से। तो अभी हम सैटरडे संडे बंद रखते हैं और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे करते हैं। उसके बाद alarm 1 फिर से प्रेस करोगे तो यहाँ पर दिख रहा है रिंग बज रही है, तो टोन इसमें 4 से 5 टोन दिए हुए हैं, तो ओके इससे हम रिंग, अगर दूसरी रिंग हमें सेट करनी है अलार्म की तो भी हम सेट कर सकते हैं। ये रिंग सेट करनी है तो हमें ये प्रेस करोगे तो 2 नंबर आएगा और अलग टाइप की दूसरी रिंग आएगी, फिर से टैप करेंगे तो 3 नंबर आएगा और 3 तीसरी रिंग आएगी, फिर से इसको टैप करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 नंबर की रिंग आएगी, अलग अलग रिंग, 4 अलग अलग रिंग आती है, फिर से उसको प्रेस करोगे तो 5 नंबर आएगा, तो 5 नंबर की रिंग आती है, 5 अलग अलग रिंग आती है। उसके बाद फिर से ऐसे प्रेस करोगे तो ये अलार्म है वो FM के जरिए हम सेट करें, मतलब जो भी FM स्टेशन हम बजा रहे उस FM को भी अलार्म का रिंगटोन हम सेट कर सकते हैं, ओके अगर हम ऐसे इसको रखा है, मतलब अभी अलार्म का रिंगटोन है वो FM सेट हो गया, मतलब FM का जो भी स्टेशन है वो स्टेशन सेट हो गया, वो उसका बाद में भी हम आपको बताएंगे कैसे वो सेट करना है। मतलब अभी तो हमने सेट कर दिया है कि जो भी अलार्म बजेगा तो जो स्टेशन था वो स्टेशन का रिंग, स्टेशन में जो भी सॉन्ग चल रहा है वो स्टेशन इसमें रिंग बजने लगेगा। जैसे ही हमने रिंगटोन जैसे कि 5 रिंगटोन और FM का भी सेट कर दिया है, मतलब 1 नंबर का रिंगटोन अगर हम फिर सेट करते हो, ओके उसके बाद
यहाँ पर वॉल्यूम बटन दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस, अगर प्लस और माइनस करोगे तो उसकी जगह जो वॉल्यूम सेट करना है। ओके, तो वॉल्यूम भी हम सेट कर सकते हैं, मतलब हमने अगर हाई वॉल्यूम पे रखना है तो प्लस करके हाई वॉल्यूम में रख के अलार्म बटन एक बार प्रेस कर दोगे, मतलब वन फर्स्ट अलार्म 2:30 ओके पीएम को मंडे को फुल वीक, मतलब हमने दो छोड़ दिया है, सैटरडे संडे छोड़ दिया है, उसके मतलब पूरा वीक में सैटरडे संडे के अलावा 2:30 PM को अलार्म बजेगा, वो भी हमने रिंगटोन 1 सेट किया है और उसका वॉल्यूम भी हमने सेट किया, तो उस वॉल्यूम से अलार्म बजने लगेगा। अभी इस तरह से ही दूसरा अलार्म अगर हमें सेट करना है तो जैसे ही फर्स्ट अलार्म के बटन से सेट किया उस हिसाब से दूसरे बटन से हमें लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर दूसरे अलार्म का पूरा सेट आ गया। जैसे कि यह और सेट हो रहा है तो 2:00 हमें सेट करना है 2:40 फिर से अलार्म प्रेस बंद करेंगे, सैटरडे संडे जो भी बंद रखना है ओके, तो वो भी हमने वैसा करके फिर से अलार्म बंद, जो भी रिंगटोन रखनी है ओके, दूसरी रिंगटोन रखनी है, तीसरी रिंगटोन, अभी हमने तीसरी रिंगटोन या चौथी रिंगटोन या पांचवी रिंगटोन या एफएम रखना है तो एफएम सेट कर दिया और प्रेस कर दिया, तो दोनों अलार्म इसमें दिखेगा, तो दोनों अलार्म हमने सेट कर दिए है। जैसे हमने सब कुछ सेट कर दिया, इसके बाद जब भी अलार्म 2:30 को अलार्म जब बजेगा तो ये जो स्नो जो डिमर बटन है उससे हम एक बार प्रेस करोगे ओके, तो क्या होता है कि एक बार प्रेस करोगे तो जो अलार्म बजता है उसको स्नूज, मतलब 10 तक स्नूज हो जाएगा, तो आफ्टर 10 फिर से अलार्म बजेगा। अगर अलार्म बजता रहा और हमने कोई भी फंक्शन इसमें नहीं किया, मतलब कोई भी बटन नहीं प्रेस किया स्नूज वाला, तो क्या करेगा अलार्म 60 मिनट तक बजता रहेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अभी इसमें जो ये डिमर बटन है स्नूज और डिमर, इसके जरिए हम क्या है कि ये जो एलसीडी डिस्प्ले है उसको 6 ब्राइट लेवल, मतलब 1 जैसे कि या 0 ब्राइट लेवल है, 1 ब्राइट लेवल है थोड़ा सा दिखेगा, 2 ब्राइट लेवल है, 3, 4, 5, 6 ओके, और ये 0, मतलब अलग अलग ब्राइट लेवल हम सेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाई ब्राइट लेवल, तो इस डिमर बटन से स्क्रीन का ब्राइट लेवल भी सेट कर सकते हो। अभी इस डॉक स्टेशन में हमें एफएम बजाना है, तो यहाँ पर एफएम का एफएम और स्कैन का बटन दिया है, तो एक बार प्रेस करोगे तो एफएम चालू हो जाएगा ओके। तो अभी क्या है कि एफएम कोई स्टेशन हमने एफएम चालू किया पर कोई स्टेशन है नहीं, तो इस मतलब एफएम के स्टेशन को स्कैन करने के लिए जो एफएम स्कैन बटन है उसको लॉन्ग प्रेस 3 या 4 सेकंड के लिए रखना है, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली ट्यूनअप करेगा और जितने भी स्टेशन है, मतलब अप टू 15 स्टेशन है, उसको 1 by 1 स्टोर करता जाएगा और 15 स्टेशन स्टोर करने के बाद फर्स्ट स्टेशन से चालू हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, एफएम को सेट करने के 87.5 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक के जो जितने भी स्टेशन जो रहते हैं उसको स्टोर करता है, ऑटो ट्यूनअप करता है, तो ऑटो ट्यूनअप करने के लिए एफएम का बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा है कि एफएम अभी स्टार्ट हो गया, तो ये ऑटो ट्यूनअप करके जितने भी स्टेशन हो गए उसको स्टोर करके स्टेशन सेव करेगा। स्टॉप करो, जैसे ही एफएम स्कैन ख़त्म होगा तो उसके हिसाब से जो भी जैसे जैसे एफएम सेट हुआ है स्टेशन, तो फर्स्ट स्टेशन से स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये एफएम बज रहा है, अभी हम इसका वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। वो शक्ति है जिसके सहारे किसी भी आपदा को अवसर में बदला जा सकता है, और okay. विश्वास दिखाया 250 से भी ज्यादा, वॉल्यूम प्लस और माइनस भी कर सकते हैं, और ये प्रीवियस और नेक्स्ट बटन वाला है उस बटन से हम एफएम का स्टेशन पे वो भी चेंज कर सकते हैं, P2 स्टेशन। इसे जितने भी स्टेशन से हुए ओके, okay?
ओके, वैसे स्टेशन अलग अलग है। अगर आपका ये जैसे ही ये स्टेशन आपका फेवरेट स्टेशन है, उसमें अच्छे अच्छे सॉन्ग आते हैं, और उस स्टेशन को आपको अलार्म जो हमने अलार्म सेट किए उसके रिंगटोन रखना है, तो क्या करना है, जो ये स्नूर जो डिमर बटन है, जो भी स्टेशन बजता होगा, ओके, अभी जो भी स्टेशन बज रहा है उस स्टेशन को आपको अलार्म की रिंगटोन सेट करना है। तो क्या करना है, ये जो स्नूर और डिमर बटन है, जो भी स्टेशन बज रहा है उस स्टेशन पे रख के स्नूर डिमर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर AL लिख के आ जाएगा, मतलब कि ये जो स्टेशन का है वो इसमें सेट हो गया रिंगटोन। तो जब भी ये 230 होगा, मतलब 240 को जब भी अलार्म प्ले होगा, मतलब तो इसमें जो ए स्टेशन में जो भी सॉन्ग चल रहा है होगा वो रिंगटोन बजेगी। बराबर, अभी जब भी FM बज रहा है और हमें स्लीप फंक्शन जो इसमें दिया हुआ है, मतलब आफ्टर इसमें अलग अलग स्लीप फंक्शन है, 00 15 मिनट, मतलब जब भी अलार्म बजता है और हमें स्लीप फंक्शन यूज़ करना है, मतलब इसमें 5-6 अलग अलग स्लीप फंक्शन, मतलब हर 15 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद, मतलब 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट या 90 मिनट के बाद ये पूरा FM वगैरह स्लीप करना है, तो वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पीछे की साइड स्लीप बटन दिया हुआ है, जब भी FM स्टार्ट होगा तभी स्लीप फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी FM स्टार्ट है तो ये स्लीप फंक्शन का बटन है, उसको प्रेस करोगे, ओके, तो ये सॉरी, ओके, जैसे ही प्लीज स्लीप फंक्शन 15, तो 15 मिनट के बाद स्लीप हो जाएगा। दूसरी बार प्रेस करोगे 30 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद, या 60 मिनट के बाद, 75 मिनट के बाद, 90 मिनट के बाद, या 0, मतलब स्लीप नहीं करना है। तो अगर हमने 15 सेट किया है तो वहाँ 15 मिनट के बाद ये स्लीप हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्लीप फंक्शन का आपको देखना है कभी भी, मतलब आफ्टर 5 मिनट देखना है कि कितना टाइम के बाद ये स्लीप होने वाला है, तो उसका स्टेटस जानना है, तो भी आप एक बार स्लीप फंक्शन आप प्रेस करोगे तो दिखेगा कि भाई कितने रिमेन टाइम रहा है, वो भी हमें दिखेगा। FM बजता है और हमने स्लीप टाइम सेट किया है 15 मिनट का, तो आप 2 या 3 मिनट हम चेक करेंगे कि कितना मिनट रिमेनिंग रहा है कि स्लीप होने में। तो एक बार स्लीप बटन है उसको एक बार आप प्रेस करोगे तो दिखेगा 30, मतलब 30 मिनट बाकी रहा है, 13 मिनट बाकी रहा है स्लीप होने में। तो ऐसे क्विक स्लीप टाइम भी चेक करना है तो एक बार प्रेस करके आपको दिखा सकते हैं। जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पर दिखेगा, मतलब 30 मिनट बाकी है। करो अभी आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर बता रहा है सेल्सियस में, तो इसको अगर फेरेनहाइट में भी चेक करना है तो यहाँ पर जो 12 आवर्स 24 आवर्स और सेल्सियस फेरेनहाइट वाला बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये सेल्सियस से फेरेनहाइट में प्रेस करेगा। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करोगे ओके, जैसे देखो फेरेनहाइट में कन्वर्ट हो गया, फिर से इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये सेल्सियस में हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो USB केबल, ये USB पोर्ट दिया हुआ, उसके ज़रिए ये 1.1 एम्पियर का है, 2.1 एम्पियर का है, तो इसके ज़रिए हम आपको हम क्या कर सकते हैं कि फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कैसे, अगर हमें फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो ये हमारा फ़ोन है, हमने एक केबल है, केबल अगर इसमें हमने डाला, ओके, और ये फ़ोन में हमें डाला ये केबल, देख सकते हो चार्जिंग हो रहा है। ओके, ओके, इस हिसाब से इसको अगर दूसरे पोर्ट में भी हम दिखा देते हैं, फ़ोन है हमारा, ओके, ये फ़ोन बंद, अभी दूसरे पोर्ट में डाल के हम चार्जिंग भी दिखा सकते हैं। ओके, फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, ओके, हो
इस डॉक स्टेशन का पूरा हमने फंक्शन दिखा दिया है, कैसे अलार्म बंद, अलार्म टू सेट वगैरह कर सकते हैं, जो वॉल्यूम वगैरह है सब कुछ हमने बता दिया है। अभी इस डॉक स्टेशन का अगर पावर, अभी 2:40 है, कभी भी पावर चला गया तारों के, जैसे कि ऐसे पावर चला गया, डॉक स्टेशन बंद हो गया, पर हमने जो बैटरी डाली है उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो सेटिंग है वो एज इट इज़ रहेगा। हम आपको दिखाते हैं, जैसे ही पावर आएगा तो आप देख सकते हो कि जो भी हमारा सेटिंग है एज इट इज़ रहा है। ओके, अगर बैटरी नहीं होगी तो ये सेटिंग पूरा चला जाएगा। मतलब कि अगर आपको रीसेट करना है इसको तो क्या करना है, रीसेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रीसेट करने के लिए ये भी निकाल देना है और नीचे से जो बैटरी है, ओके, नीचे जो बैटरी है उसको आप निकाल दोगे। ओके, बैटरी भी निकाल दिया। ओके, उसके बाद जैसे ही चालू करोगे तो ये पूरा है ना रीसेट हो जाएगा। देख लेते हैं, आप देखते हो रीसेट हो गया है। तो कभी भी रीसेट करना है तो बैटरी वगैरह निकाल के आप रीसेट भी कर सकते हो। अगर बैटरी एज इट इज है, पावर चला गया, तो नो डाउट आपको जो भी सेटिंग है आपका एज इट इज रहेगा बैटरी की वजह से। ओके, थैंक यू।